हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टीम मसाज के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको इसके अनबॉक्सिंग करके बताया था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको स्टीम मसाज के बारे में बताने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं किसी बिना देरी। और अगर जब हमारे चैनल पर नए प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे नेक्स्ट अच्छे वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो फ्रेंड अपन स्किन टोनर से स्किन को साफ करेंगे। और स्किन टोनर का जो काम होता है फ्रेंड, स्किन का जो धूल मिट्टी जो डस्ट बैठा हुआ है वो पूरा क्लीन करना है। जैसे अपन फेस वॉश करते हैं या कोई सोप यूज करते हैं, पानी वगैरह से डस्ट नहीं निकलता, उससे डस्ट निकलता है स्किन के ऊपर का। लेकिन स्किन टोनर जो होता है स्किन के अंदर का डस्ट निकाल देता है, पूरा क्लीन कर देता है। देखो कॉटन अपन ने पूरा व्हाइट लिए थे, उसमें स्किन टोनर डाले थे। अब देखो पूरा अंदर का डस्ट निकल गया, पूरी तरह से ब्लैक हो गया। दूसरी तरफ से साफ करेंगे अपन उसको, खासतौर से ये अपने को जो तो नोज के नीचे और डार्क सर्कल पे छुट्टी नीचे साफ करना है। तो सबसे ज्यादा डस्ट अपने वहीं बैठता है और क्लीन ब्लैक जो तो डस्ट बैठने की वजह से आते हैं। और गर्दन को भी साफ कर लेना है, ये गाड़ी के अप डाउन की वजह से ट्रेवल से अपनी गर्दन जो तो बहुत ज्यादा डस्ट की हो जाती है। फिर बैक को भी पीछे से अच्छे तरीके से साफ कर लेना ताकि अपन टी शर्ट वगैरह पहनते तो अपनी गर्दन ब्लैक हो जाती है। इसमें धूल मिट्टी डस्ट या फिर ऑयल वगैरह लगा देना तो गर्दन पे उतर के डस्ट बैठ के अपने पसीने से अपनी स्किन जो है बहुत ज्यादा ब्लैक पड़ जाती है। इसके अंदर अपने हैंड भी ब्लैक हो जाते टी शर्ट पहनने से। और कान को भी अच्छे तरीके से साफ कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं स्टीम लेंस पहले, या फिर नेचुरल स्टीम भी ले सकते हैं डायरेक्ट। और आपको मैं स्किन के फायदे बताता हूँ। ताकि स्किन में जो बैठा हुआ धूल मिट्टी जो डस्ट है पूरा निकल जाए। और स्टीम मसाज का जो काम होता है स्टीम का, तो अपने स्किन में धूल मिट्टी डस्ट निकालना या फिर अपनी स्किन पे क्लीन ब्लैकेट्स हो गए वो पूरे बाहर कर देना। या अपनी स्किन ब्लैक पड़ेगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए, काले घेरे आ गए पूरे, या अपनी स्किन पे सेम वगैरह के डार्क है, पूरी स्किन के अंदर का डस्ट निकाले ना, आपकी स्किन को फेयरनेस देंगे एंड आपकी स्किन को ब्राइटनेस आएगी, एकदम लाइट हो जाएगी एंड कलर एकदम फेयर हो जाएगा आपको। और स्किन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं, नेचुरल है। स्किन बोलते अपना मिनरल वाटर है, सादा वाटर है, आप इसको घर पे ले सकते हैं। और स्किन लेना बहुत अच्छी बात है। और कम से कम हर बंदे ने महीने में एक बार तो स्किन लेने को होना, जो अपनी स्किन जो धूल मिट्टी और डस्ट बैठता है ना पूरा बाहर आ जाता है। और अपनी जो ब्लैक गर्दन जो ब्लैक हो जाती है, कान ब्लैक हो जाते हैं, टी शर्ट पहनने वगैरह वजह से वो पूरा क्लियर होते हैं। सबसे पहली बात तो अपनी स्किन एकदम खूबसूरत लगती है, उससे निखार आया था। एंड आपने देखा ना ब्लैकेट्स होने की वजह से अपनी स्किन पे जो ब्लैकेट्स रहते हैं ना, उससे अपनी नोज टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है, तो स्किन लेने की वजह से पूरा बाहर आ जाता है कील वगैरह उसका। तो फिर उनको स्क्रब से एंड मसाज क्रीम की मदद से पूरा बाहर निकाल देंगे। कैमरा कटिंग क्या था कि कोई नहीं बोल पाया। स्किन ग्लो ग्लो स्किन ग्लो पर भैया थोड़ी थोड़ी तो देनी, पूरी थोड़ा लोगे बस ये सब काम होगा। बस ये अपन जो है स्टीम बैक के ऊपर भी लेंगे, जो अपनी गर्दन ब्लैक हो गई है ना ट्रेवल्स की वजह से धूल मिट्टी से टी शर्ट पहनने वगैरह वजह से, तो वो भी पूरी एकदम व्हाइटनेस हो जाएंगी, उसमें पूरा डस्ट बाहर आ जाएंगे और अपनी स्किन पे फेस पे और गर्दन एकदम ग्लो आ जाएंगे। जो अपनी नेचुरल स्किन है वो फेयर हो जाएगी, वो वापस मिल जाएंगे अपने जो अपनी नेचुरल स्किन है कि ब्लैक हो गई है तो पूरी तरह से सबका घुमा कर देना, तो एक तरफ देंगे ना थोड़ा गर्म लगे। आप उसको हैंड के ऊपर भी ले सकते हैं स्टीम को, अपने हैंड ब्लैक हो गए कभी तो। स्टीम को तो बहुत ही मुफीद बहुत फायदेमंद चीज है। तो ये देख आप देख सकते हैं स्किन लेना अपना पूरा हो गया है। और स्किन जो है एकदम मतलब उनकी गर्म से भी ठंडी भी थोड़ी फूल हो गई। उसके बाद में जो अपने है ना चेहरे को अच्छी तरीके से पूरा साफ कर लेना है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं पूरा डस्ट जो है तो नैपकिन के ऊपर लग रहा है, पूरा डस्ट बाहर आ रहे हैं। और इसके बाद में जो तो अपने उनके फेस के ऊपर जो तो स्क्रब करेंगे। तो अपने पास में ये माई केयर फेस स्क्रब है, आप वैसे दूसरे कंपनी के ले सकते हैं, बहुत सारे लोग सलून के ऊपर भी कराते हैं। तो
तो आप दूसरे कंपनी के स्क्रब भी ले सकते हैं। मुझे ये बेस्ट लगा और ये बेटर है, इसलिए मैंने ये लिया। इसके बाद में अपनों को जो है तो स्किन के ऊपर स्क्रब कर रहे हैं। स्क्रब पूरा तो बहुत ही बेस्ट और अच्छी चीज है। स्क्रब फेस पे करने की वजह से जो अपने पसीने के गड्ढे होते हैं वो पूरे आपको खुल जाएंगे, धूल मिट्टी डस्ट रहने की वजह से बंद हो जाते हैं, पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी स्किन फेयरनेस देंगे और आपकी जो नशे वगैरह फ्रेश मोकली रहेंगे और आपको अच्छा भी फील होगा। और स्क्रब का काम एक और होता है, जो स्किन जो मैल बढ़ जाता है, जैसे डार्क सर्कल अपनी पिछानी आपको अक्सर देखिए डार्क पड़ जाता है ऑयल वगैरह लगाने की वजह से, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं या फिर ठुड्डी के या नोज के नीचे ब्लैकिश जो हो जाते हैं वो पूरे क्लियर कर देता है स्क्रब। बैक पे भी अपन हल्का सा लगा लेंगे स्क्रब और उसके बाद में इसे 10 से 15 मिनट अच्छे से पूरे फेस पे रमिश करेंगे ताकि अपनी स्किन को पूरा रिजल्ट मिले और ग्लो है, अपनी स्किन फेयरनेस हो। आप ये सलून के ऊपर भी कराते हैं तो ये तरीके से कराना है और जो सलून वाले जो वीडियो देखेंगे ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। स्टीम आपके पास में स्टीम बार नहीं है या आप स्टीम मसाज नहीं रखते तो आप प्लीज रखे उसको, क्योंकि बहुत ही अच्छी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और कस्टमर को सर्विस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसका आप अपनों को कम से 10 मिनट अच्छे से करना है ताकि अपनी स्किन पे फेयरनेस आ जाए और डस्ट पूरा बाहर आ जाए। और नोज के नीचे और ठुड्डी के नीचे यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना अपन को, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैकिट्स एंड कील डस्ट यहाँ पर ही बैठता है और जिसके डार्क सर्कल है उसके उस पर भी यहाँ ज्यादा जोर देना। जिसकी गर्दन बैक जो ज्यादा ब्लैक हो गई है तो उस पर अच्छे से स्क्रब कर लेना अपना पूरे तरीके से। जब मैं स्क्रब करना पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देखिए पूरे व्हाइट कलर के स्क्रब लगा दिए, स्क्रब पूरा पीले कलर का हो गया, मतलब क्रीम कलर का पूरा होता है, अंदर का डस्ट निकल के जो कलर चेंज कर दिया और स्किन के ऊपर फेयरनेस आ गई। मसाज क्रीम लगाएंगे उस पर, जो काम होता है स्किन पे ग्लो लाना और उसको फेयर करना है, सॉफ्ट बनाना स्किन पे, आपको इससे ब्राइटनेस आएगी, स्किन लाइट होगी आपकी और ग्लो आएगा आपकी स्किन एकदम क्लीन लगेगी, आपको सॉफ्ट लगेगी एकदम। तो ये मायकेयर का मैंने मिक्स फ्रूट का मसाज क्रीम दिया, आप दूसरा ले सकते हो कोई, वैसे मेरे पास बहुत सारे क्वांटिटी की मसाज क्रीम ये हुआ है, मुझे ये बेस्ट लगा इसलिए मैंने ये लिया। काम शुरू हो चुका है, मसाज क्रीम का काम है स्किन को फेयरनेस एंड ग्लो देना और सॉफ्ट बनाना। तो अपने को मसाज क्रीम को भी 10 से 5 मिनट तक के या 15 मिनट तक के स्किन पे अच्छे से रमिश करना है ताकि ये स्किन के अंदर पूरा चला जाए, पूरा अंदर नेचुरल हो जाए। उसके बाद में पानी मार के अपने को अच्छा रमिश करके क्लीन कर लेना है, जितना फ्रेंड से अंदर जाए ना तो अंदर जाने के बाद में अंदर से पूरा डस्ट लेके आएंगे, उसके बाद में आपकी मसाज पूरी कंप्लीट हो जाएंगे, स्किन एकदम फेयरनेस हो जाएगी। और जो लोग स्टीम मसाज नहीं कराते हैं उनको डर लगता है, मतलब कि स्टीम लेने से कोई नॉर्मल मसाज स्क्रब यूज कर लेते अपनी स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मसाज करने से स्किन पे पिंपल्स नहीं आते, मसाज करने से स्किन पे पिंपल्स एंड पिंपल्स के आइकनिंग के जो डार्क होते और आपकी स्किन पे जो डार्कनेस आता है वो क्लीन होता है और आपकी स्किन व्हाइट एंड सॉफ्ट बन जाती है। हर बंदे ने, हर शख्स ने कम से कम 30 से 35 दिन में एक बार अपने फेस की मसाज कराने को आना, फेस की मसाज कराना अच्छी बात है और अपनी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी स्किन डैमेज हो जाती है और अपने पसीने वगैरह के जो गट्टे हैं उसमें धूल मिट्टी डस्ट बैठ जाती है तो वो निकलती है, और कभी वो डस्ट वगैरह नहीं निकला उसकी वजह से अपनी स्किन पे पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, डार्क सर्कल होंगे स्किन, मतलब कुछ कुछ स्किन के तो कुछ जगह ब्लैक, कुछ जगह व्हाइट, कुछ जगह सावला कलर ऐसा हो जाता है। मसाज कराने से स्किन फेयर रहती है और मूड फ्रेश रहता है अपने, और ये बैक के ऊपर भी अच्छे से ध्यान देके रमिश करेंगे ताकि जो जितना भी ब्लैक पर है वो पूरा क्लीन हो जाए।
इस तरीके से फ्रेंड पूरे क्रीम को अपने जो है तो अंदर डाल देना पूरी स्किन में, ताकि वो स्किन में अंदर जाए पूरा डस्ट बाहर निकल जाए। उसके बाद में लोगों अंदर का पानी मार के इसमें और कर पानी मार के हल्की सी डनिश करेंगे इससे पिछले वगैरह पे नोज पे और नोज पे और टूटी के नीचे डायरेक्ट हंड भी और डार्क सर्कल भी, ताकि धूल मिट्टी डस्ट जो है सबसे पहले वही बैठती है और वहां का हिस्सा जल्दी से क्लियर हो जाए। तो पूरे फेस पे अच्छे तरीके से करना, लेकिन वहां थोड़ा ध्यान दे के करना मसाज वगैरह। ये अपने आप देख सकते हैं पूरे कील वगैरह निकल चुके हैं इस पे के, पूरी स्किन जो है क्लीन हो चुकी है। उसके बाद में हम लोग फाउंडेशन लगाएंगे, ताकि कहीं बाहर वगैरह गए दीजिए मसाज करके अपनी पूरी स्किन क्लीन हो जाती है। और अपनी गाड़ी टू व्हीलर वगैरह तो सफर वगैरह तो इसकी धूल मिट्टी बैठ जाती है, ज्यादा मतलब डस्ट लग जाए, तो इसलिए हल्का सा फाउंडेशन क्रीम लगा देंगे उनकी स्किन पे, ताकि स्किन अच्छी भी दिखे एंड ढकी हुई रहे। और जो लोग स्टीम मसाज कराने से डरते हैं, बोलते हैं स्टीम मसाज नहीं कराने को ना, या फिर कोई नॉर्मल सी मसाज भी नहीं कराने को ना, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। कोई भी मसाज करने की वजह से स्किन पे पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं और स्किन को प्रॉब्लम नहीं होती। और जो बंदे मसाज नहीं कराते मेरे हिसाब से उन्होंने कराने को ना, खासतौर से स्टीम मसाज, क्योंकि स्टीम से फेस पे भी पिंपल्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं और फेस एक नंबर दिखता है, उससे धूल मिट्टी पूरी निकल जाती है। तो आप नजदीक से देख सकते हैं पूरा फेस एकदम क्लीन हो गए भाई हमारे समीर भाई का। समीर भाई हमारे पास से 50 किलोमीटर से आए थे मसाज सिर्फ मसाज कराने के लिए रॉयल सैलून को बुलडाना। तो फ्रेंड हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।